गुड मॉर्निंग एवरीवन. दिस वाज़ द क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में दिए थे. ये हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क था. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 7. सो क्विकली हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेंगे. एक्स बाइज दी प्रॉपर्टी ऑन अप्रैल 1998 फॉर 95,000. ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विथ ए इन द ईयर 2005-6 एंड रिसीव 10,000 एडवांस. ए कुड नॉट ही कीप हिज प्रॉमिस, तो एक्स ने उसका पैसा फॉरफिट कर लिया. बाद में वो गिफ्ट कर देता है वाई को. सो गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, सो देर विल बी नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ एक्स. वाई आगे जाके जब बेचेगा तब कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन जब वाई को गिफ्ट में मिलता है, किसी को भी अगर गिफ्ट इनहेरिटेंस विल में कोई भी प्रॉपर्टी मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर. और प्रीवियस ओनर ने 1/4/2001 के पहले खरीदा था, तो फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा. व्हेन वाई गॉट द प्रॉपर्टी, ही ऑल्सो एंटर्ड इन एन एग्रीमेंट विद बी, बट अगेन बी कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, अमाउंट वॉज फॉरफिटेड. Ultimately, he finds a buyer to whom the property is sold for 35 lakh. ठीक है, no problem. So let us start. Question 9. एक्स गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, देयरफॉर नो कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, देयरफॉर नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इन द प्रीवियस ईयर 8-9. वाई का बात करते हैं. वाई आगे जाके बेचा है, तो सबसे पहले इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर, that is 1/4/98 से लेके डिसंबर, तो इट इज मोर देन 24 मंथ्स, सो इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. This is also with respect to previous owner. So previous owner ne acquire kab kiya tha? 1/4/2001 ke pehle. To fair market value or actual cost, whichever is higher, fair market value as on 1/1/01. और एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में जो हायर है तो इट इज फेयर मार्केट वैल्यू इज 1,15,000 और 95.
whichever is higher. The work cost of action shall be reduced by the amount of advance money forfeited by the cost of action shall be reduced by the amount of advance money forfeited by the SSE, that too prior to 1/4/2014, because iske baad agar kuch bhi pehla baat to advance money forfeited by the previous owner is ignored, और SSE जो भी forfeit करेगा वो भी before 14 होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो भी advance money आता है वो other sources में taxable होता है. तो अगर आप देखेंगे ये previous owner का, इसको तो consider करना ही नहीं है. ठीक है, हमने जो एग्रीमेंट किया 8.5 लाख में, इसमें 50,000 एडवांस मिला, इसको भी नहीं कंसीडर करना है. इन द गिवन केस advance money received by the SSE is forfeited post 1/4/2014. Such amount will be taxable under the head income from other sources. Is it okay? So यहां पे X वाला तो advance money forfeited का कुछ होगा नहीं,
और वाई जो फॉरफिट किया है एसएससी जो करेंट ओनर है वो पोस्ट 2014 है तो वो ऐसे कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, आइए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने बताया है ऑफ बोथ एक्स एंड वाई विल बी कंसिडर्ड बट ऑन और आफ्टर 1st April 01 इंडेक्सेशन कैन बी डन विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओनर। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर क्योंकि गिफ्ट में मिला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर ने 2001 के पहले खरीदा था तो फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन मिल गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करना है अमाउंट फॉरफिटेड से दैट टू बाय द एसएससी, तो प्रीवियस ओनर वाला इग्नोर कर देंगे और एसएससी वाला 14 के बाद है तो वो भी रेस नहीं होगा, राइट। तो इसको अदर सोर्सेज में इनकम बोल के टैक्सेबल करना है, इंप्रूवमेंट दोनों का लेंगे, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से ले लेते हैं। सो कैलकुलेशन में पर्टिकुलर्स कुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफवीसी अल्टीमेटली 35 लाख में बेचा है, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर इसको तो इग्नोर करना है। ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय 5-6 का क्या है? एक सौ सत्रह और एक हमको चाहिए 12-13। बारह तेरह का 200 है और 117, ठीक है। न्यूमरेटर ईयर ऑफ ट्रांसफर बाय 200,
ये हमारा सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, चलिए। तो एग्जैक्टली सिमिलर था व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन, बट दिस वाज मोर इंपॉर्टेंट। ये पूरा सेक्शन ये एग्जाम में लिखने का दरकार नहीं है, ये खाली तुम्हारा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट पोर्शन। बाकी ये सब पीरियड ऑफ होल्डिंग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स। आइए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 50C। पहला बात, सेक्शन 50C डील करता है लैंड और बिल्डिंग और बोथ। बड़ा सिंपल सा फंडा है, एफवीसी इक्वल टू सेल प्रोसीड्स। इफ सेल प्रोसीड इज लेस देन, to be very precise, if I tell 110% of sale proceeds, is less than value adopted by stamp valuation authority, then FVC equals to value adopted by stamp valuation authority. बोला 10% का अलाउंस है, गैप अगर 10% से ज्यादा का है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कम कैपिटल गेन देने का चक्कर में सामने वाला पार्टी के पास में कैश पड़ा हुआ है, उसको बोला कि भैया इतना रुपया आप हमको कैश में दीजिए, इतना रुपया आप हमको चेक से दीजिए, क्योंकि पूरा रुपया अगर वो चेक से लेगा तो उसका सेल प्रोसीड ज्यादा आएगा। अगर किसी का हैवी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, हैवी, जैसे हमारा यहाँ पे जितना भी हमने क्वेश्चन किया, देखो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ओनली 4 लाख, वेयर एज माय सेल प्रोसीड इज 35 लाख। तो ये लोग चाहेगा ना, दे माइट डू दिस थिंग, ये लोग इसको करके 15 लाख कर लेगा। द मोमेंट दे मेक इट 15 लाख, तो देखो जो कैपिटल गेन लाखों में आ रहा था वो 7 लाख में आ गया, तो 15 लाख चेक में ले लेगा, बाकी ब्लैक मनी ले लेगा 20 लाख रुपया। तो ये 20 लाख रुपए पे जीरो टैक्स, तो लोग ऐसा करते हैं। तो इसीलिए बाकी सारे एसेट के केस में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ये चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं विथ स्टैम्प वैल्यूएशन ऑथोरिटी का वैल्यू, राइट। तो यूजुअली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, सेल प्रोसीड्स को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। बट इफ 110% ऑफ सेल प्रोसीड्स, 10% का विंडो ले लो, 5-10% ऊपर नीचे चलता है, राइट, देन द वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन ऑथोरिटी
विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. यह हमेशा आपको याद रखना है. अब इसमें दो चीज है. केस वन, एसएससी चैलेंजेस द वैल्यू अडॉप्टेड बाय एसवीए. बोलता है हम आपका ये स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी को नहीं मानते, हम कोर्ट में केस करेंगे. देन एफवीसी इक्वल्स टू वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट. कोर्ट जो वैल्यू बोलेगा वो मान लेंगे. इफ एसएससी रिक्वेस्ट एसेसिंग ऑफिसर टू गेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वैल्यू adopted by SVA is not contested, then full value of consideration equals to fair market value or value adopted by SVA, दोनों में जो lower है. Whichever is lower. ये बहुत important है. Value adopted by SVA shall be the value on the date of agreement. If some payment is received through e-mode, else date of registration shall be relevant. शॉर्ट में मैंने आपको बताया, खाली ये लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ये चीज पॉसिबल है. दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो स्टेप बाय स्टेप देखना है अपने को. जनरली फुल जो जितने में बिकता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज टेकन एज सेल प्रोसीड. सेल प्रोसीड इज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. बट इफ सेल प्रोसीड इज लेस देन, नॉट इवन सेल प्रोसीड, 110% ऑफ सेल प्रोसीड इज लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी. नाउ बट ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा है. नाउ स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी इज द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. जब भी कोई प्रॉपर्टी का डील होता है ना, तो आपको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास में जाके बायर को स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है प्रॉपर्टी पे. दिस इज नॉट पेड वंस इन लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉपर्टी. एवरी टाइम देयर इज अ न्यू बायर, द बायर हैज टू रजिस्टर इन इट्स ओन नेम, तो उसका चार्जेस लगता है. तो वैल्यूएशन सरकार बताती है, एज पर गवर्नमेंट क्या वैल्यूएशन है.
तो ये वैल्यू जाहिर सी बात है दिस वैल्यू इज मोर देन व्हाट आई हैव रिसीव्ड. सो आइदर आई विल चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इफ आई चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ देन द कोर्ट डिसाइड द वैल्यू. बट समटाइम्स आई मे नॉट गो फॉर चैलेंज. आई रिक्वेस्ट असेसिंग ऑफिसर, सर प्लीज आप देखिए ना, आप देखिए मैंने मैंने बेच के 80 लाख रुपए लिया. आप बोल रहे हैं इसकी स्टैंप वैल्यूएशन है 1 करोड़, राइट? सपोज करो इफ आई टेल यू एग्जांपल, सपोज एक्स सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 80 लैक्स, बट तो क्या होगा? 110% ऑफ 80 लैक्स इज लेस देन 100. देयरफॉर एफवीसी इक्वल्स टू वैल्यू अडॉप्टेड बाय एसवीए, दैट इज 100 लैक्स. फेयर मार्केट वैल्यू 92 लाख आया. देयरफॉर एफवीसी क्या होगा? कैपिटल गेन सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस. तो सेल प्राइस क्या होगा, परचेस प्राइस क्या होगा? परचेस प्राइस में मैंने बताया लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन करके कॉस्ट ऑफ एक्शन लेंगे, इंप्रूवमेंट में भी इंडेक्सेशन करेंगे. शॉर्ट टर्म होगा तो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्शन, सीधा इंप्रूवमेंट. तो हिसाब से 92 और 100 विच एवर इज लोअर, कुछ तो कम हुआ. अब अगर वो बोलता है नहीं फेयर वैल्यू आपका 110 है, तब हम कॉन्टेस्ट करेंगे या उसका वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप जाना है. पहले चेक करना है कि इसका 110% 100 से कम है. अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तब तो सेल प्रोसीड्स को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. 110% ऑफ 80 इज 88 लाख. सो 88 लाख इज नॉट लेस देन 85 लाख. सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द सेल प्रोसीड्स. कॉस्ट में क्या था? अगर 1/4/2001 के पहले है
तो अपने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो, विच एवर इज हायर एज कॉस्ट। बोला फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन से ज्यादा नहीं हो सकता। जब तुम सेल प्राइस में बोल रहे हो कि फेयर मार्केट वैल्यू कम है स्टैम्प वैल्यूएशन के, इन केस ऑफ कॉस्ट यू आर सेइंग फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, और सेल प्राइस में तुम बोल रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू कम है, तो वहां पे वो लोग कॉस्ट में भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि ठीक है कॉस्ट में फेयर मार्केट वैल्यू को स्टैम्प वैल्यूएशन से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। सरकार भी फिर क्यों छोड़ेगी? पहले खाली सेल प्राइस में रेस्ट्रिक्शन था, अब कॉस्ट में भी रेस्ट्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग टर्म साफ दिख रहा है, नॉर्मल। मैंने 1498 से लेके 1 lakh एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन ले लेंगे अपन। तो इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, वन फोर जीरो वन का एसवीआई इज मिसिंग। तो 1 lakh और 2 lakh में जो हायर होगा, FVC इक्वल्स टू नाउ यू कैन सी दैट सेल प्रोसीड्स 25 lakh इज लेस देन SVA, तो SVA लूंगा, बट फेयर मार्केट वैल्यू और SVA में जो लोअर है
इज इट फाइन? बहुत ही सिंपल था. सेल प्रोसीड्स एसबीए वाला वैल्यू से कम है तो एसबीए वाला वैल्यू ले लेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फेयर मार्केट वैल्यू एसबीए से कम है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे. नंबर 11, ठीक है, ये मेरा सेल प्रोसीड हो गया, इतना में मैंने बेचा था. तो जाहिर सी बात है पीरियड ऑफ होल्डिंग 14-15 से लेके एग्रीमेंट है अगस्त में, रजिस्ट्रेशन हो, तो कौन सा वाला स्टैम्प वैल्यू लेंगे? जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन हमको कुछ पैसा ई मोड से मिल गया था. ई मोड मतलब डिजिटल मोड, अकाउंट पे चेक से मिला ना. तो सेल डीड से मतलब नहीं अपन को. ये वाला वैल्यू लेना है. तो सेल प्रोसीड इज लेस देन दिस वैल्यू. 110% करेंगे तो 1 करोड़ 32 लाख. 1 करोड़ 32 लाख इज लेस देन 1 करोड़ 60 लाख. इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला वैल्यू है. और व्हेन आई एम रिक्वेस्टिंग असेसिंग ऑफिसर टू गेट फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रहा है. सो अल्टीमेटली यही मेरा एफवीसी हो जाएगा.
बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है अपन को, माथा लगा के फायदा नहीं है। चौदह पंद्रह का इंडेक्सेशन कितना है? टू फोर्टी। एग्रीमेंट वाला लेंगे क्योंकि पार्ट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। I guess this is absolutely fine with all of you. There should not be any problem. नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है। स्लम स्लेल मतलब बिजनेस में ना मेरा बहुत सारा यूनिट हो सकता है, पेपर यूनिट हो सकता है, टेक्सटाइल यूनिट हो सकता है, केमिकल यूनिट हो सकता है, राइट? सो स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर बिजनेस अंडरटेकिंग by means of lump sum consideration without assigning values to each individual assets and liabilities. ठीक है, गॉट माई पॉइंट? तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, एंटायर यूनिट इज बीइंग सोल्ड, पेपर यूनिट मैंने तुमको बेच दिया, तो उसके लिए मेरे को तुम 100 लाख रुपया दोगे, 100 करोड़ रुपया दोगे ना। ये जो भी 100 करोड़ मिला ये मैंने लमसम लिया है, इस एसेट का इतना, इस एसेट का इतना, इस एसेट वैसे करके नहीं, पूरा यूनिट मैंने तुमको बेचा है। I haven't assigned, no allocation. No allocation of purchase consideration to individual assets.
जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है इन दोनों का जो हायर है उसको माना जाएगा। सारे एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू या जो कंसिडरेशन है उसका फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि कई बार नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी मिलता है तो उसको जोड़ने के बाद, यहां पे इंडेक्सेशन वगैरह नहीं होता है, सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों एक साथ लिया जाता है और नेटवर्थ इज कॉस्ट ऑफ माई एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट। उसका जो नेटवर्थ होता है ना, नेटो, नेट एसेट टेकन ओवर, इसको अपने नेटो भी बोलते हैं, नेट एसेट टेकन ओवर। सो उसका वैल्यू ऐसे आएगा। अगर इस ब्लॉक ऑफ एसेट में कोई मोटर कार है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसका इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अपन WDB निकालना जानते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, हम लोग PGBP में पढ़ा है, राइट। अगर इस टाइप का एसेट है तो उसका वैल्यू नील माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सारा बेनिफिट क्लेम कर चुका है। बाकी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में बुक वैल्यू और गुडविल वगैरह का नील माना जाएगा वैल्यू। रिवैल्यूएशन को कंसीडर नहीं करना है, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। जिस साल ट्रांसफर हुआ है उसी साल इनकम टैक्सेबल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉट मोर देन 36 मंथ्स, सो शॉर्ट टर्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट जमा देना पड़ता है, राइट। उस रिपोर्ट में बहुत सारा डिटेल मांगेगा कि क्या नेटवर्थ था। अब आप कुछ भी नेटवर्थ लिख देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी मानेगा, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोई इंडिविजुअल एसेट नहीं बेचा मैंने, पूरा का पूरा यूनिट सेल कर दिया, उसके सारे एसेट्स बेच दिए, सारे लायबिलिटीज बेच दी। तो जो भी कंसिडरेशन होगा उसको अपन कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, दोनों में जो हायर होगा उस पे अपने उसको सेल प्रोसीड माना जाएगा। नेटवर्थ को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट माना जाएगा। नेटवर्थ मतलब बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स में अगर इस टाइप के एसेट्स है तो ये सब वैल्यूज कंसीडर किया जाएगा। रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर देना है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 36 महीने से नीचे हुआ तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसके पास में दो यूनिट है,
इसने अपना यूनिट वन ट्रांसफर कर दिया है, टोटल कंसिडरेशन हो गया 20 लाख, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू है 25 लाख। तो इससे साफ समझ में आ रहा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है। जितना कंसिडरेशन मिला या जो फेयर मार्केट वैल्यू मैंने ट्रांसफर किया, दोनों में जो हायर है ठीक है, यूनिट वन का नेटवर्थ निकालना है नेटो, ये यूनिट वन का है, ये यूनिट वन का है, यूनिट वन का है, यूनिट वन का है, 12, 3, 1, 1.5। इसमें से 25% यूनिट वन का है, 70% यूनिट वन का है। रिवैल्यूएशन कंसीडर नहीं करना, इसका मतलब अगर ये रिवैल्यूएशन मैं हटा दूं, सो दिस विल बी 9 लाख। ठीक है, ये तो लेना ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना है। अदर एसेट में गलती से पेटेंट घुस गया है, ठीक है, लेकिन उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं था, डेप्रिसिएशन तो देना ही है। क्या लिखा है, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हम लोगों को रिटर्न डाउन वैल्यू कंसीडर करना है। तो पेटेंट का रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, WDV एज पर इनकम टैक्स रूल्स, ये हमारा 25 लाख है क्वेश्चन में, ये हमारा 20 लाख है, तो दोनों में हायर आ गया 25 लाख। और 8-9 से धंधा चल रहा है, 2023-24 में सल्ट आया है यूनिट वन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। बीस इक्कीस, 21-22, 22-23, क्योंकि हमने बेचा है 2023 का अप्रैल में, वाई डेप्रिसिएशन टिल 1 अप्रैल 23।
फुल फुल ईयर का डेप्रिसिएशन देंगे, बिल्डिंग जो है अपने को एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन लेना है, मशीनरी अज्यूम्ड WDV जो वैल्यू दिया, मान लो कि WDV दिया हुआ है, तीन लाख, डेटर इज 1 लाख, पेटेंट्स का अलग से कंसिडर करना है हम लोग को, इसलिए अदर एसेट से पेटेंट्स को हटाया, पेटेंट्स का WDV एज पर IT रूल्स निकालना है।
तो ये मेरा डब्ल्यू डी बी आ गया। टू वन जीरो नाइन जिस एसेट का डब्ल्यू डी बी एस पर आई टी रूल नहीं देगा उसका अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विद ऑल ऑफ यू। So now, FVC 25 lakh. Selling expenses, वही expenses for transfer. ये हमारा इंपॉर्टेंट था, दिस वॉज एज पर फेयर मार्केट वैल्यू रेस्ट्रिक्शंस। कंसिडरेशन वॉज 20 बट फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 25 लाख, सो 25 लाख इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अदर एसेट में पेटेंट है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं था इसलिए इसको अलग से कंसिडर करूंगा मैं। नेटवर्थ आ गया, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टेक अनदर टॉपिक। नाउ यूजुअली आई हैव टोल्ड यू कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। दीज आर एक्सेप्शंस।
वो जो चार्जेबिलिटी सेक्शन हमने पढ़ाया था ना आपको, दैट वॉज सेक्शन जो मेन चार्जेबिलिटी है, कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स, इन द ईयर this is normal chargeability section, but this you can easily see that it is a different section and they have written notwithstanding anything contained in section 45(1). If there is a destruction of property due to flood, cyclone, earthquake, right, and you are getting insurance claim, so destruction might take place early and you might get claims later. This is how it works, right? Aaj maine sale kiya, main aaj tumko bech raha hu, aaj mere ko paise milenge. But in case of destruction, the year of transfer and the year of receipt of consideration can be different. So where any previous year any person has received तो कैपिटल गेन यूजुअली विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच मनी वॉज रिसीव, नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर. सो द थिंग इज लाइक दिस, एसेट परचेस्ड 2011-12, destruction is 1920, insurance claim received 2324. So in this particular case you can see that period of holding and indexation, it will be up to the year of transfer. Transfer, this is transfer. This is year of transfer. Year of transfer. Period of holding and indexation up to year of transfer. However, capital gain chargeable to tax in the previous year 23-24. Bahut simple hai. सेम इज द केस विथ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इन टू स्टॉक इन ट्रेड. वहां पर भी जब अपन एसेट, जब अपने स्टॉक इन ट्रेड को एक्चुअली बेचते हैं उस दिन कैपिटल गेन लगता है. उसमें दो पार्ट का इनकम आता है, एक कितना में बेचा अप टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन से लेके कॉस्ट ऑफ एक्चुअल इनकम कंपेयर करके कैपिटल गेन. वहां पर भी ईयर ऑफ कन्वर्जन में मेरा कैपिटल एसेट खत्म हो रहा है तो हिसाब से मेरा कैपिटल गेन टैक्स उस साल लगना चाहिए, बट अभी तक तो कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ ना. तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट. आइए ये सब डिस्ट्रक्शन एक बार रीड कर लीजिएगा, सेल्फ रीड है.
फायर इज कवर्ड ना, द क्लेम वॉज रिसीव्ड वेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा एक छह 2008 से लेके एक पांच 2014 अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2 लाख नॉर्मल, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला हमको, ये नॉर्मल सा बात है, इंश्योरेंस क्लेम हमको मिला 10 लाख, ठीक है, लेस ICOA, नाउ अगर आप देखेंगे 2 लाख इज द एक्चुअल कॉस्ट इनटू CII of the year of transfer, that is 14-15. Yes or no? CII अपने year of transfer का लेते, taxable 8 साल 9 साल बाद हो रहा है क्योंकि जब क्लेम मिलेगा, बट सीआईआई अपनी ईयर ऑफ ट्रांसफर लेंगे डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ 8-09. सो इट इज लाइक 2 लाख इनटू 14-15 का सीआईआई क्या है, 14-15 का CII है 240,
और 8-9 का 137। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। थोड़ा आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, देन नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ कुछ केस और है, देन वी विल गो फॉर एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, जहां पे अगर घर के बदली में घर खरीद लेते, घर बेच के, तो आप जो भी कैपिटल गेन होता है वो टैक्स नहीं देना पड़ता है उस पर। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करेंगे, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है, तो आपको अप टू 50 लाख आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। तो काफी सारे एग्जेम्पशंस भी है इनकम से, मतलब आफ्टर दिस वी विल हैव सम फ्यू मोर लाइंस। ये जो अपना एलटीसीजी आ रहा है ना, इसके बाद लेस एग्जेम्पशंस, राइट, बट अभी इस प्रॉब्लम में नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सो इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, एंड देयर इज वन मोर केस, कंपलसरी एक्विजिशन, वी विल कवर नेक्स्ट क्लास, उसमें भी ऐसा ही होगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हमारा कंपल्सरीली अक्वायर कर लिया है, लेकिन हमको कॉम्पेंसेशन कुछ साल बाद दे रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसा ही होता है, राइट, और क्लेम आने में टाइम लगता है। आजकल तो फास्ट प्रोसेसिंग हो गया, बट पहले के जमाने में ये सब जो अर्थक्वेक, फ्लड, टाइफून, ये सब जनरली गवर्नमेंट की तरफ से आता है कॉम्पेंसेशन, सो इन केसेस में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। ओके, बाय बाय।